मुख्यमंत्री होने के रूप में जितने भी सरकारी विभाग है उनमें समन्वय स्थापित करके। यह है हिमाचल प्रदेश की बाल सत्र में मुख्यमंत्री जाह्नवी। जाह्नवी सुंदर नगर की हैं और बाल सत्र में जाह्नवी मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आएंगी। जाह्नवी ने वर्तमान परिदृश्य में राजनीति पर अपने विचार रखे और आज के समय में राजनेताओं और सरकार को किस तरह से काम करना चाह्ये इस पर भी अपनी राय रखी। जाह्नवी ने कहा कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आने चाहिए ताकि देश और प्रदेश का ईमानदारी से काम किया जा सके। हालांकि जाह्नवी राजनीति में ना जाकर आईपीएस बनना चाहती है। हिमाचल विधानसभा में 12 जून को एक दिवसीय बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य पर यह सत्र आयोजित होगा। इस सत्र में 17 साल से कम 68 बच्चे भाग ले रहे हैं। सुंदरनगर की 10वीं में पढ़ने वाली जाह्नवी का चयन मुख्यमंत्री के लिए हुआ है। ये बच्चे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 3 महीने तक चले बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत चुने गए हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए और बाल सत्र में मुख्यमंत्री जाह्नवी क्या कुछ कहती हैं वो भी आप सुनिए। डिजिटल बाल मेला जो साइट है ये उसी को ऑपरेट करते हैं, यानी ये जो बाल विधानसभा हो रही है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन प्रोसेस और ऑडिशन वगैरह जो भी हुए हैं उसमें जो हमारा डिजिटल बाल मेला की जो वेबसाइट है उसका बहुत बड़ा रोल है। ये 12 तारीख को आप जानते हैं कि बाल श्रम निषेध दिवस है। बच्चे जो है जो ये जो बिलो 18 हैं फोर्स लेबर वगैरह वगैरह की जो कुरीतियाँ समाज के अंदर हैं उसी परिपेक्ष में उसी परिदृश्य में ये बाल विधानसभा हो रही है। जो भी मैं मंत्री बनाती हूँ वह उनके अनुभव व क्वालिफिकेशंस के आधार पर हो। इसी के साथ में ये मुख्यमंत्री होने के रूप में जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें समन्वय स्थापित करके आम जनता की मूलभूत समस्याएं हैं जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य है। जितने भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनके उनमें उनके द्वारा मैं उनमें थोड़ी और प्रोसेस थोड़े और मतलब उनमें और चीज़ें ऐड करके उनको और बेटर बनाकर उनको लागू करूंगी जिससे कि हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो पाए और अच्छे से।